नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी को, शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। सोने चांदी पर जीएसटी बढ़ सकता है। जीएसटी कमेटी ने टैक्स 3% से बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया। कई और प्रोडक्ट्स पर दरें बढ़ाने का भी सुझाव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अच्छे ग्लोबल संकेतों से सोने चांदी में तेजी। एमसीएक्स पर चांदी के दाम 46,000 के ऊपर, सोने में करीब 0.5% की बढ़त। कच्चे तेल में मिला जुला कारोबार। घरेलू बाजार में कमजोरी, लेकिन ब्रेंट मजबूती के साथ 3 महीने के ऊपरी स्तर के करीब। अमेरिका में भंडार घटने की संभावना से सपोर्ट। अच्छी हाजिर मांग से इलायची में तेजी जारी। वायदा में लगा 4% का ऊपरी सर्किट। दाम 4.5 महीने की ऊंचाई पर। लगातार तेजी के बाद चने और सोयाबीन ने मुनाफा वसूली। एनसीडीएक्स में चना करीब 0.5% नीचे, लेकिन खाने के तेलों में मजबूती। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले तो कमोडिटी बाजार का इस वक्त का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर कल की तेजी आज भी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। आप देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। सोने में लगभग 1.5% की मजबूती है और चांदी 46,000 के ऊपर 0.25% की स्ट्रेंथ इस वक्त दिखा रहा है। तो ये गोल्ड सिल्वर का रुझान है। रुपए को एक बार देख लेते हैं, जो कि 71 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है और अभी भी 71.26 रुपए का मौजूदा लेवल है, हल्के से दबाव के साथ। लेकिन क्रूड यहां पर सुबह 4300 के आसपास कारोबार होते हुए हमने देखा था, आज भी एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही बना है। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 4325 के लेवल्स पर। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट $66.5 के आसपास कारोबार कर रहा है। मेटल्स में सुबह से हम एक सुस्ती भरा ट्रेड देख रहे थे। निकल था एकमात्र जहां पर हल्की सी रिकवरी थी, अभी वो भी अपनी रिकवरी को गवा चुका है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा लेड और जिंक, इन दोनों में वीकनेस थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। सुबह ये फ्लैट थे, लेकिन अब 1.25% से लेकर 2% की वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप एडिबल ऑयल सेगमेंट को देख लेते हैं। सोयाबीन, सोया ऑयल दोनों मजबूती के साथ अभी कारोबार कर रहे हैं। क्रूड पाम ऑयल और मस्टर्ड, यहां भी हम 1 से 1.25% की मजबूती बनते हुए देख रहे हैं। तो यहां पर ये तिलहन में ट्रेड हो रहा है, जो कि बायस जो है वो पॉजिटिव फ्रंट पर है। कॉटन सीड ऑयल के ये 2 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट 2183 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन है, एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय है और सीएनबीसी टीवी18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी है। सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हॉट पिक्स के साथ। बताइए सबसे पहले प्रियंक, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेंगी? गुड इवनिंग। हमारी आज पिक बुलियंस में रहेगी। गोल्ड में हम बाइंग की स्ट्रेटेजी सुझाते हैं। अराउंड 38,250-38,300 के रेंजेस में बाई किया जा सकता है। 38,000 स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स अराउंड 38,600 के रहेंगे। दूसरी पिक कॉपर में रहेगा। कॉपर में भी हमने अच्छा रुझान देखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, तो ये एक मोमेंटम ऑन द हायर साइड कंटिन्यू हो सकता है। तो 444 के आसपास इसे बाई किया जा सकता है। 440 का स्टॉप लॉस रहेगा, 448-450 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। तो कॉपर और गोल्ड दोनों में बाय करने की सलाह है। मनोज, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली, आपको और सारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी यहाँ पे दोनों ही खरीदारी की पीक रहेगी। पहली क्वार सीट जनवरी वायदा में यहाँ 4,130 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए। 4,240 तक के लक्ष्य रखें। स्टॉप लॉस होगा 4,080 का। और दूसरा, यहाँ पे सोयाबीन वायदा में थोड़ी अगर गिरावट आती है तो 4,340 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 4,290 का एक स्टॉप लॉस रखें। पहला लक्ष्य होगा 4,440 का और उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन हुई तो यहाँ 4,500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते। ठीक है, तो ग्वार में बाय करने की सलाह है 4-4.0 के टारगेट के साथ। ये रिकमेंडेशन आ रही है मनोज की ओर से और साथ ही उन्होंने सोयाबीन में बाय करने की सलाह दी है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव बना हुआ है। मनीषा जी, काफी दिनों के बाद थोड़ा तेजी का एक्शन बना है, अदरवाइज तो हम थोड़ा सुस्त या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड ही गोल्ड सिल्वर दोनों में देख रहे थे, स्पेशली सिल्वर जहां पर मोमेंटम दो दिन में काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है। क्या क्या कारण रहा है इस तेजी के पीछे और ये सस्टेनेबल लग रहा है वो? जी हाँ दीपाली,
शॉर्ट कवरिंग हमने यहाँ पर आते हुए बाजार में देखी है। सोना चांदी काफी हद तक एक कंसोलिडेशन, एक रेंज में कारोबार कर रहे थे, लेकिन पिछले दो दिनों से यहाँ पर खरीदारी फिर से लौटी है। बाजार ये मान के चल रहा है कि अगले साल में यहाँ पर काफी सारी अनसर्टिनिटीज हो सकती है। यूएस और चाइना में फेज वन डील अभी साइन नहीं हुई है, लेकिन बाजार ने उसको फैक्टर इन किया है, लेकिन आगे जाके फेज टू डील, फेज थ्री डील, काफी सारी अनसर्टिनिटी उस हिसाब से यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ब्रेग्जिट अभी भी बाजार उसको फैक्टर नहीं कर रहा है या फिर डिस्काउंट अभी नहीं कर रहा है, और इसके अलावा काफी हद तक यह मानना है कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी जो नीतियां हैं वो यहां पर इजी रखेंगे। यूएस डॉलर इंडेक्स में हम हल्की सी गिरावट आता हुआ देखेंगे, और क्योंकि वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट्स यहां पर ऑल टाइम हाईज पर रही है, काफी स्ट्रेस्ड या स्ट्रेच्ड लग रही है, तो उन सब चीजों का फायदा भी यहां पर सोने में हम बनता हुआ देखेंगे। क्लियरली इसी वजह से यहां पर खरीदारी है। हमने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स यहां पर चार्ट्स पे बनाए हैं, 1490 के ऊपर अब हम यहां पर फिर से कारोबार कर रहे हैं। चांदी में भी 46,000 के लेवल्स यहां पर देखने को मिले हैं। बाइंग रिकमेंडेशंस अब यहां से हैं, बाजार मानता है कि अगले दो महीने यहां पर और थोड़े बहुत बढ़त के सोने चांदी के लिए हो सकते हैं। प्रियंका, आपने गोल्ड पर तो बाइंग रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है अपने हॉट पिक में, लेकिन सिल्वर पर क्या दी है? 40,000 के ऊपर है, तेजी वाले ट्रेडर्स क्या करें, प्रॉफिट्स लें पर होल्ड रखें, नई पोजीशंस किस तरफ बनाएं? तो नई पोजीशंस और अगर किसी ने लॉन्ग किया है लोअर लेवल्स पे तो अभी भी बाइंग मोमेंटम बना है मार्केट्स में, तो अभी भी ये एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स मे बी अराउंड 46,400 to 46,800 ऑन द हायर लेवल्स। तो यहाँ पे अगर करेक्शन आता है तो ये क्लियरली एक दिखता है कि गोल्ड सिल्वर जो कंसोलिडेट हो रहे थे, अभी एक ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हमने दिखा है, ये कंटिन्यू हो सकता है गोइंग इन टू द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। जनवरी में देखा कि एक हायर साइड मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी अगर करेक्शन आती है मे बी अराउंड 45,500 ये एक अच्छे सपोर्ट जोन से रहेंगे जहां पे बाय फिर से रीइनिशिएट कर सकते हैं। और साथ ही प्रियंक, क्रूड पर भी अपना आउटलुक दे दीजिए, काफी फ्लैट ट्रेड हो रहा है और 4340 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है, 4327 माफ कीजिए, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, आपका व्यू क्या है? यहाँ से तेजी की पॉसिबिलिटी है, नीचे जा सकता है, या फिर आपको लगता है ऐसी सुस्ती में भी एक दो दिन और निकाल सकता है? तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि बाइंग मोमेंटम है, बट मीडियम टर्म में ज्यादा बुलिश नहीं हूँ ये काउंटर पे। यहाँ से अगर अपसाइड आती भी है तो एक कैप पर रहेगा अराउंड 4380-4400 जोन, उसके बियॉन्ड कोई फ्रेश ट्रिगर चाहिए रहेगा मार्केट को तेजी के लिए, वरना मुझे लगता है कि जिस तरह का ये बिल्टअप हुआ है तेजी का, ये फिजल आउट होना चाहिए ऑन द हायर लेवल्स। अभी हम देख रहे हैं कि 4320 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, 4350 से लेके 4400 जोन्स मुझे लगता है कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए मार्केट को, एंड हम एक डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स 4270 to 4240 जोन्स। तो ओवरऑल मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि ये सेल ऑन रैलीज का मार्केट दिखता है। ठीक है, सेल ऑन रैलीज का मार्केट है, ऊपर जाए तो शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मंडी खबरों का। और मंडी अपडेट में पहले बात करेंगे कॉटन की। कॉटन के प्राइसेस में आज एक दबाव देखने को मिल रहा है, साथ ही इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि डिमांड में तो कमी है, वहीं उत्पादन में बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से प्राइसेस दबाव में है, 0.1% के आसपास की वीकनेस है। मनीषा जी, कॉटन को लेकर अभी यहां से क्या आउटलुक बन रहा है? ऑलरेडी 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है इससे भी इंडिकेशन तो ये मिल रहा है कि शायद प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट ही रह सकते हैं। जी हाँ दीपाली, काफी अच्छी बढ़त जो हमने कॉटन के प्राइसेस में देखी थी वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2019 में आते हुए देखी थी, पिछले साल से ये बढ़त तेज हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ इस साल में हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। ऑफकोर्स बाजार यहां पर बुआई के नंबर्स को लेके, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कंसर्न्स हैं या आवक है या प्रोक्योरमेंट है सीसीआई की तरफ से, उन सब चीजों को यहां पर रिएक्ट करता रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आई है इससे क्लियरली लगता है कि यहां पर दबाव रह सकता है। कोको
की तेजी हमने बनते हुए देखी है, सात महीने के हाईस पर जहां पर प्राइसेस गए हैं तो वहां पर सपोर्ट रह सकता है क्योंकि वहां पर मांग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक कॉटन की बात है, यहां पर जैसे आपने कहा प्रोडक्शन में यहां पर बढ़त देखने को मिली है, करीबन 3% की बढ़त यहां पर एक्सपेक्टेड है। जहां तक कंजम्पशन की बात है वो काफी स्टेडी रहने की उम्मीद है, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है पिछले साल से वहां पर बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। और इसके अलावा जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है वहां पर यह माना जा रहा है कि अब यूएस और चाइना की जो बातचीत बेहतर हो रही है तो यूएस के एक्सपोर्ट्स यहां पर थोड़े से पिकअप होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह का ग्लोबल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, हमने ज्यादा प्रोडक्शन इस बार भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से आते हुए देखिए, तो उसका इंपैक्ट यहां पर रहेगा। और अगर स्लोडाउन की चिंताएं यहां पर रहती हैं तो मांग या जो डिमांड ग्रोथ है वो 2020 में बहुत ज्यादा निकलते हुए नजर नहीं आएगी। तो इंडस्ट्री काफी हद तक यही मान रही है कि अगले 6-8 महीने के लिए हमें कंसोलिडेशन और दबाव वाला माहौल यहां पर कॉटन प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे। मनोज जी, आपका आउटलुक क्या है कॉटन प्राइसेस पर, अब यहाँ से कैसा मूड रह सकता है? बिल्कुल, हमने एक दायरे का ट्रेड देखा है, लेकिन हमने देखा है कि 18,800 से 19,000 के स्तरों पर यहाँ कीमतों को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से यूएस और चाइना की ट्रेड जो वार्ता वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में अगर चाइना की ओर से डिमांड निकल कर आती है तो निचले स्तरों पर कीमतों को सपोर्ट जो है मिल सकता है। फिर से एक बार निचले स्तरों पर शॉर्ट के सजेशन नहीं रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 18,800 से 19,000 के दायरे में एमसीएक्स कपास वायदा अगर आता है तो वहां पे खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 19,100 के ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो यहाँ फिर से एक बार 19,350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए 18,800 ऑन द लोअर साइड और 19,350 ऑन द हायर साइड, ये एक जो रेंज देखने को मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया मनीषा जी कॉटन पर और गोल्ड सिल्वर पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है और खबर है प्याज से जुड़ी हुई, महंगी प्याज को लेकर। अब राहत की खबर है, दिल्ली के केंद्रीय भंडारों से इंपोर्टेड प्याज आ गया है जो कि 67 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सस्ते प्याज का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ मनचंदा ने। प्याज के दाम जो है दिल्ली वालों के आंसू जो है निकाल रहे हैं। प्याज दिल्ली में 120 रुपए से लेकर के 140 रुपए किलो जो है वो मिल रहा है। हालांकि अभी भी इम्पोर्टेड प्याज जो है वो भी बाजार में आना शुरू हो गया। सबसे पहले जो है वो प्याज टर्की से जो है भारत में आया था, वो प्याज जो है 90 रुपए किलो के आसपास मिल रहा है। आप प्याज की क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी जो है इस प्याज की है, ये टर्की से आया हुआ प्याज है। लेकिन ठीक इसके बाद इजिप्ट से भी अब प्याज आना जो है वो शुरू हो गया, जो कि काफ़ी सस्ता जो है वो मिल रहा है। दिल्ली में करीबन 67 रुपए किलो जो है ये प्याज अब मिलना शुरू हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से उस प्याज को लेकर के दिल्ली वालों ने लाइन जो है वो लगा के रखी है और लाइन लगा करके प्याज जो है वो ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं देश में करीबन 790 टन जो है वो प्याज आया है, जिसमें से 50 टन के आसपास जो है प्याज दिल्ली में पहुँचा है और दिल्ली के केंद्रीय भंडारों पर ये प्याज बिकने की शुरुआत जो है हो गई है। आपको ये बुधवार से ये प्याज जो है मदर डेयरी और सफल में जो है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस प्याज की कीमत जो है वो 67 रुपए है, बहुत कम हो गया। भाषा बहुत थैंक यू, आपकी मेहरबानी है, सरकारी मेहरबानी होगी जो इतना कम हो गया प्याज, और बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है प्याज। टाइम प्याज लेने आई है? हाँ जी प्याज लेने आए हैं। खासतौर पे महंगा है, 120 रुपए 140 रुपए मिलोगे किलो? नहीं, अब तो सही है, थोड़ा इधर तो मिल गया, वो इतना महंगा खरीद भी नहीं पा रहे थे हम। तो उम्मीद है कि जिस तरह से नया बाजार प्याज जो है वो बाजार में आएगा तो उससे आने वाले दिनों में प्याज के दाम और सस्ते होंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए इसके साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो आपके सवालों को करेंगे शो में शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे कमोडिटी कॉल, मनोज कुमार जैन और प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने हुए आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पहले कॉलर दिलीप जी हैं सोलापुर से। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने जिंक लिया है 181 से, जनवरी का लॉट है, तो क्या करना चाहिए मैडम? प्रियंक बताइए, 2% नीचे है आज जिंक का प्राइस, तो इन्होंने जनवरी का एक लॉट लिया हुआ है 181 के भाव पर।
देखिए ओवरऑल जिंक का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो अभी भी कोई बुलिश सेंटिमेंट नहीं दिखता है. ट्रेंड अभी भी शॉर्ट टर्म में मंदी की तरफ दिखता है. 185-186 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करे, एक दो दिन क्लोजिंग होए, उसके बाद हम मानेंगे कि एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है. अभी मेरे हिसाब से उन्होंने 181 पे बाई किया है तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 178 का. अगर उसके नीचे भी सस्टेन होना शुरू करता है तो एग्जिट कर ले, और 178 के पहले सस्टेन करता है और एक बार उनको कॉस्ट भी अपना मिलता है अराउंड 181 के आसपास तो एक बार एग्जिट ले लेनी चाहिए. क्योंकि जिंक में मुझे लगता है कि 185-186 एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चलना शुरू करेगा तब इसमें तेजी कर सकते हैं. फिलहाल होल्ड कीजिए, आपका भाव मिले तो वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए, तेजी बहुत बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी कम है. एक सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए राजेंद्र का अलीगढ़ से. सवाल है इनका आरएम सीड पर, 5 लॉट इन्होंने बाय किए हुए हैं 4200 के भाव पर. आरएम सीड में आज हमने ऑलरेडी 1% का मूव देखा भी है. बताइए मनोज जी, पोजिशन होल्ड रखे आरएम सीड में, 4200 इनका परचेजिंग प्राइस है. बिल्कुल 4600 के आसपास अभी वर्तमान में कमोडिटी ट्रेड कर रही है, उनकी 4 लॉट की पोजिशन है. तो मेरी राय ये रहेगी कि कम से कम 2 लॉट में जो वर्तमान स्तरों पर मुनाफा वसूली करना चाहिए, और बचे हुए 2 लॉट में 4480 का एक ट्रेलिंग एसएल लगा है. कहीं ना कहीं अगर कीमतें 4750 तक के स्तर दिखाती है तो वहां पर फिर फुल प्रॉफिट जो एक बार बुक कर लेना चाहिए. पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है, पार्शियली आप रख सकते हैं पोजीशन को. राजमोहन ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. राजमोहन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है, मैं एनजी पड़ी हुई है 3,92 रुपए की भाव हुई. भाव क्या है आपका? 192 3 लॉट बाय किए हुए नेचुरल गैस के. काफी नुकसान में है आप, बताइए प्रियंक अब क्या सजेशन होगा? काफी ऊपर पोजीशन बनाई इन्होंने, वो भी खरीदारी की. देखिए नेचुरल गैस में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है. 200-205 हमने देखा है, बार बार ये कमोडिटी जाती है वहां से फिर से फिजल आउट होती है, और इन्होंने क्लियर कट कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा है. ऑलमोस्ट अभी 30 रुपीज वो आउट ऑफ मनी है. मेरा यही सजेशन रहेगा कि कोई भी पुलबैक आती है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का दिखता है. मेरे हिसाब से 150-150 के लेवल्स ऑन द लोअर साइड ये एक लेवल्स रहेंगे जहां तक एक बार मार्केट आ सकता है. तो अगर पुलबैक आती है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए. पुलबैक मिले तो एग्जिट कीजिए, नीचे फिसलने के चांसेस ज्यादा हैं, ऑलरेडी काफी नुकसान में आप हैं. एक व्हाट्सएप पे सवाल आया है गुणवंत का, सोयाबीन पर 200 बोरी है इनके पास और इन्होंने जो खरीदारी की पोजीशन है वो है 3700 रुपए के आसपास. बताइए मनोज जी, आपने तो इनफैक्ट बाय कॉल भी दी है सोयाबीन पर, इनके लिए क्या सजेशन होगा? बिल्कुल ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है और इन्होंने काफी निचले स्तरों से खरीदारी की है. 4200 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को बाइंग की पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए. 4500 तक मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक बार देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बची हुई पोजीशन को ट्रेलिंग एसएल से होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है सोयाबीन पर, मोमेंटम पॉजिटिव ही है, स्ट्रॉन्ग रह सकता है. यहां से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं, कुछ और क्वेरीज है जिनको करेंगे शामिल. आप देखें कमोडिटी कॉल, अगले कॉलर प्रमोद हैं आगरा से, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं. प्रमोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? क्वेश्चन पूछिए अपना. आलू का कोई काम नहीं करना अपने को. चलिए इनसे बातचीत में पांच जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किया उसके हिसाब से सिल्वर इन्होंने एक लॉट बेचा हुआ है 44,550 के लेवल पर. क्रूड का भी एक लॉट बेचा हुआ है 4320 के लेवल पर. तो क्रूड वाली पोजीशन तो इनके भाव के आसपास ही है, लेकिन चांदी में तो इनको बहुत नुकसान हो रहा है प्रियंक, और आपने तो बाय रेको भी दी है, तो अब क्या सजेशन है इनके लिए?
देखिए चांदी में हमने देखा है कि एक क्लियर कट अपसाइड मोमेंटम बना है, लास्ट दो से चार ट्रेडिंग सेशन हम देखें तो एक अच्छी तेजी बिल्डअप हुई है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये कंटिन्यू हो सकती है फॉर मच हायर लेवल्स। तो यहाँ पे अगर एक ब्रीदर आता है, काउंटर ट्रेंड पुल बैक अगर आती है तो 45,000-45,500 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए उनकी शॉर्ट पोजिशन में से। दूसरी तरफ उनकी क्रूड की शॉर्ट पोजिशन है 43.25 के आसपास भाव चल रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार 43.80 या मेबी 4400 के ऊपर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में अगर 4250-4200 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्षद हैं बिहार से फोन लाइन पर। अर्षद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मेरा सवाल है कि हमने चला दो लॉट सेल किया है 43.85 पे, तो उसको क्या करना, मतलब रखें कि मतलब बेच दें, मतलब बाय कर लेते। ठीक है, आपके लिए आउटलुक ले लेते हैं। मनोज जी बताइए क्या सजेशन होगा इनके लिए। चेन्नई में इन्होंने दो लॉट बेचे हुए हैं 4385 के लेवल्स पर, तो अभी तो ये नुकसान में है, हालांकि चनाज थोड़ा सॉफ्ट जरूर हुआ है पिछले हफ्ते की तेजी के बाद, लेकिन अभी भी इनको भाव से तो काफी ऊपर है, क्या रिकमेंडेशन होगी? ओवरऑल ट्रेंड चेन्नई का अभी भी पॉजिटिव है, मुनाफा वसूली के चलते अगर कीमतें 4500 के आसपास भी आती है तो शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, और 4450 से 4480 के रेंजेस में खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और मेरा मानना है कि जनवरी में एक बार कीमतें 4650 से 4700 तक के स्तर दिखा सकती है, तो यहाँ पर अगर मौका मिले तो शॉर्ट की पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है क्योंकि चेन्नई का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल, शुक्रिया प्रियांक और मनोज जी आप दोनों का तमाम कमोडिटीज पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए और सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, कहीं ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं मार्केट टुडे। नमस्कार।